हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज के स्टूडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करने वाली हूँ 2024 में आई मूवी हनुमान। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम मूवी का एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं। मूवी स्टार्ट होती है माइकल नाम के बच्चे से, जिसे सुपर हीरोज की मूवी देखना काफ़ी ज़्यादा पसंद था। वो हमेशा सुपर हीरो की तरह बनना चाहता, इसलिए वो अपने फ्रेंड के साथ उन्हीं की तरह फाइट करता। आज वैसा करते वक्त माइकल अपने दोस्तों को बहुत पीट देता है और ये देखकर उसके मम्मी पापा उससे नाराज हो जाते हैं। माइकल की माँ उसे समझाती है कि सुपर हीरो बनने के लिए ताकत की जरूरत नहीं होती। अगर तुम्हें सुपर हीरो बनना है तो बिना किसी ताकत के भी दूसरों की मदद करो, इससे तुम सुपर हीरो बन जाओगे। जिसके बाद माइकल अपने फ्रेंड सिनी के पास आता है और उसे कहता है कि जो भी सुपर हीरोज अब तक हुए हैं उनके पेरेंट्स की डेथ हो गई थी, इसलिए अगर माइकल के पेरेंट्स जिंदा है तो वो सुपर हीरो नहीं बन सकता। जिसके बाद हम माइकल को देखते हैं जो अपने घर में आग लगा देता है और घर के बाहर आकर डोर लॉक कर देता है, जिसकी वजह से माइकल के मम्मी पापा के घर के अंदर जलकर मौत हो जाती है। अब कुछ साल बीत जाते हैं और माइकल बड़ा हो चुका था। वो सुपर हीरो तो नहीं था, लेकिन सुपर हीरो की तरह बिहेव करता था। वो सुपर हीरो की तरह चोरों को पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन चोर उस पर हंसने लगते हैं कि वो कैसा सुपर हीरो है। अब ये सुनकर माइकल को गुस्सा आता है और वो सभी चोरों को मार देता है। तभी वहां पर पुलिस आती है, लेकिन माइकल वहां से निकल जाता है। अब माइकल की वजह से चोर पकड़े गए थे, इसलिए लोगों के लिए माइकल सुपर हीरो बन गया था। जिसके बाद माइकल एक लैब आता है जहां पर सीरी था। एक्चुअली सीरी एक साइंटिस्ट बन चुका था और वो माइकल के लिए कुछ ऐसे वेपन्स बना रहा था जिससे माइकल सुपर हीरो बन सके। वो माइकल को बताता है कि उसने एक सूट भी बनाया है जिसके अंदर काफी पावर होगी और माइकल इससे कुछ भी कर सकता है। लेकिन माइकल का कहना था कि भले उस सूट में काफी पावर होगी, लेकिन उसे ऐसी कोई पावर चाहिए जो उसके अंदर हो। इसलिए माइकल ऐसी कोई पावर ढूंढ रहा था जिसे वो खुद में डाल सके और वो सुपर हीरो बन सके। जिसके बाद हम अंजनास्ता गांव को देखते हैं जहां पर रहता है हनुमान। आज बंदर एक आम को तोड़ने वाला था, लेकिन हनुमान आकर उस आम को तोड़ देता है, जिससे बंदर हनुमान पर काफी गुस्सा हो गया था। तभी वहां पर हनुमान का एक दोस्त आता है और बताता है कि काशी को गजापति के लोग पीट रहे थे। जिसके बाद हनुमान काशी के घर जाता है तो वहां पर सच में गजापति के लोग उसे पीट रहे थे। अब काशी की बात करें तो काशी हनुमान का काफी खास दोस्त था। अब हनुमान काशी से कहता है कि वो चिंता ना करे, वो सबको यहाँ से भगा देगा। लेकिन वो सभी लोग हनुमान को ही पीट देते हैं और काशी के सारे गाय भैंसों को वहां से लेकर जाते हैं। एक्चुअली वो लोग गजापति के थे जो उस गाँव का लीडर था। एक्चुअली गजापति गाँव वालों को लगान के नाम पर लूटा करता था। साथ ही वो बहुत ज्यादा ताकतवर था, इसलिए गांव में से कोई भी उसके खिलाफ नहीं जाता था, और अगर कोई उसके खिलाफ जाने की हिम्मत करता तो उसे गजापति के साथ कुश्ती लड़नी पड़ती। और आज तक जिसने भी गजापति के साथ कुश्ती लड़ी थी उसे गजापति ने मार दिया था। तो वही हम हनुमान को देखते हैं जिसे काशी बताता है कि मीनाक्षी छुट्टियों में घर वापस आई है। अब ये सुनने के बाद हनुमान काफी खुश हो जाता है, क्योंकि बचपन से हनुमान मीनाक्षी से बहुत प्यार करता था। वो मीनाक्षी की हमेशा मदद करता, लेकिन कभी भी उसके सामने नहीं आता। मीनाक्षी भी जानती थी कि कोई लड़का है जो हमेशा उसकी मदद करता है, लेकिन वो कौन है ये उसे भी पता नहीं था। जिसके बाद हनुमान अपने घर जाता है तो उसकी बहन अंजना उसे डांटने लगती है, क्योंकि हनुमान को छोटी मोटी चोरी करने की बहुत बुरी आदत थी। वो जहाँ पर भी जाता वहां से कुछ ना कुछ चुरा कर लेकर आता, और इसी वजह से हनुमान पूरे गांव में बहुत बदनाम था। अब हम उस बंदर को देखते हैं जो हनुमान के घर पर नजर रख रहा था, क्योंकि वो बंदर हनुमान से वो फल तोड़ने का बदला लेना चाहता था। तभी हनुमान को पता चलता है कि आज गजापति फिर से किसी के साथ कुश्ती लड़ रहा था। गजापति उस आदमी को मारने वाला था कि तभी वहां पर मीनाक्षी आती है और गजापति को रोकती है। वो गजापति को डांटने लगती है और उसे कहती है कि वो इस तरह से लोगों को लूटना बंद करे, लेकिन गजापति कहता है कि वो लोगों की रक्षा के लिए है। अगर गांव वालों पर कोई भी डकैत हमला करता है तो वो उन्हें बचाएगा, और इसीलिए वो लोगों से लगान लेता था। लेकिन मीनाक्षी का कहना था कि अभी तो डकैत है ही नहीं। वो गांव वालों से पूछती है कि क्या उन्होंने कभी किसी डकैत को देखा है, लेकिन इसका किसी के पास भी कोई जवाब नहीं था। मीनाक्षी कहती है कि डकैत तो चले गए, लेकिन गजापति लगान के नाम पर लोगों को लूट रहा था। मीनाक्षी कहती है कि लोगों को अपने लिए एक नेता चूज करना चाहिए, ना कि गजापति जैसा लीडर। अब ये सुनकर गजापति को गुस्सा तो आता है, लेकिन वो सबके सामने मीनाक्षी से कुछ नहीं कहता, लेकिन अपने साथियों को कह देता है कि ये सब कुछ खत्म करे। जिसके बाद हम मीनाक्षी को देखते हैं
जो अपने फ्रेंड के साथ बस से कहीं जा रही थी। एक्चुअली मीनाक्षी एक डॉक्टर है और वो छुट्टियों में अपने गांव वापस आई थी। तभी वहां पर हनुमान आता है और मीनाक्षी को पायल पहनाने लगता है, लेकिन तभी मीनाक्षी के दोस्तों से देख लेती है और उसे लगता है कि हनुमान हमेशा की तरह मीनाक्षी की भी ज्वेलरी चुरा रहा होगा। इसलिए वो चिल्लाने लगती है और कंडक्टर हनुमंत को बस से बाहर निकाल देता है। अब हनुमंत उस जंगल में अकेला था। तभी वो देखता है कि उसके पीछे एक शेर पड़ जाता है। अब हनुमंत उस शेर से बचने के लिए यहाँ वहाँ भागने लगता है। तो वही हम मीनाक्षी की बस को देखते हैं जिसके ऊपर डकैत हमला कर देते हैं। अब डकैत को देखकर लोग वहाँ से भागने लगते हैं, लेकिन वो डकैत मीनाक्षी के पीछे पड़ जाते हैं। तो वही हम हनुमंत को देखते हैं जिसे वो शेर वहीं पर लेकर आता है जहाँ पर मीनाक्षी थी। अब मीनाक्षी हनुमंत को देख नहीं पाती, लेकिन हनुमंत उसे देख लेता है और वो समझ जाता है कि डकैत मीनाक्षी को मारने वाले हैं। इसलिए वो एक के बाद एक उन डकैत को मारने लगता है और किसी तरह से मीनाक्षी वहां से भाग पाती है। लेकिन तभी वहां पर और डकैत आते हैं और हनुमंत को पकड़ लेते हैं। अब मीनाक्षी ये सब देख रही थी, लेकिन वो कुछ भी कर नहीं पाती। तभी वहां पर उसके घर वाले आते हैं और उसे वहां से लेकर जाते हैं। तो वही वो डकैत हनुमंत को काफी ज्यादा पीटते हैं और उसे नदी में फेंक देते हैं, जिसके बाद हम हनुमंत को देखते हैं जो पानी में डूब रहा था। लेकिन तभी उसे वहां पर मीनाक्षी का लॉकेट दिखाई देता है जो दूसरी ओर बह रहा था, और हनुमंत उस लॉकेट को पकड़ने के लिए उसके पीछे जाने लगता है। तभी हनुमंत को एक शेल दिखाई देता है जो चमक रहा था। हनुमंत जब उसे ओपन करता है तो उसे उसके अंदर एक मणि दिखाई देता है और हनुमंत उसे अपने पास रख लेता है। अब उस मणि की बात करें तो जब हनुमान जी ने सूरज को फल समझकर खाने की कोशिश की थी तो इंद्रदेव ने उन पर अटैक किया था। उस अटैक में हनुमान जी को चोट लगी थी और उनके खून का एक बूंद उस शेल में आकर गिरा था और उसी खून से वो मणि बना था जो अभी हनुमंत को मिल गया था। अब पानी की बहाव से हनुमंत किनारे पर आ गया था और वहां पर कुछ लोग आकर हनुमंत को घर लेकर आते हैं। हनुमंत की हालत देखकर उसकी बहन अंजना काफी ज्यादा डर गई थी। अब हनुमंत की हालत देखकर काशी भी मीनाक्षी को बुलाने जाता है ताकि मीनाक्षी उसका इलाज कर सके। तो वही हम हनुमंत को देखते हैं जो कि एक जगह बेहोश पड़ा था, लेकिन उसके पास वो मणि था और जैसे ही सूरज की किरणें उस मणि पर पड़ती है हर जगह रोशनी हो जाती है और हनुमंत को होश आता है। हनुमंत देखता है कि उसे काफी ज्यादा चोट लगी थी, लेकिन जैसे ही वो मणि को अपने हाथ में लेता है उसकी सारी चोट मिट जाती है। लेकिन हनुमंत समझ नहीं पा रहा था कि ये सब हो कैसे रहा है, लेकिन वो तैयार हो जाता है क्योंकि अगर इस हालत में मीनाक्षी ने उसे देख लिया तो वो क्या समझेगी। इसलिए वो अच्छे से तैयार होकर बाहर जाता है। तभी वहां पर मीनाक्षी आती है और ये देखकर वो काशी पर काफी गुस्सा होती है, क्योंकि काशी ने तो उसे कहा था कि हनुमंत को काफी चोट लगी है, लेकिन हनुमंत तो स्टाइल मारता हुआ घूम रहा था और वो गुस्सा होकर वहां से चली जाती है। काशी हनुमंत को देखकर खुद भी काफी शॉक था कि वो इतनी जल्दी ठीक कैसे हो गया। काशी उसे बताता है कि मीनाक्षी को लगा था कि कल जिसने उसकी जान बचाई थी वो हनुमंत होगा, लेकिन हनुमंत तो ठीक था। और ये देखकर मीनाक्षी समझ गई कि कल उसे बचाने वाला हनुमंत नहीं था। लेकिन हनुमंत उसे बताने लगता है कि कल वही तो वहां पर था, लेकिन हनुमंत की हालत देखकर किसी को भी यकीन नहीं हो रहा था। तभी हनुमंत को याद आता है कि उसके पास मीनाक्षी की चैन है, इसलिए वो उसे चैन लौटाने के लिए जाता है। लेकिन रास्ते में उसे गजापति के लोग मिलते हैं और वो उससे चैन ले लेते हैं। हनुमंत जब उनसे चैन वापस मांगता है तो वो लोग उसे एक गेम खेलने के लिए कहते हैं, लेकिन गेम खेलते वक्त हनुमंत उन सबको काफी ज्यादा पीट देता है। एक्चुअली हनुमंत के अंदर इतनी पावर आ गई थी कि एक छोटा सा धक्का देने पर दीवार टूट जाती थी। अब हनुमंत समझ नहीं पा रहा था कि उसके अंदर इतनी पावर आ कैसे गई। अब उन सबको पीट कर हनुमंत चैन लेने लगता है, लेकिन बंदर आकर चैन चुरा लेता है और वहां से भाग जाता है। तभी वहां पर मीनाक्षी आती है और हनुमंत उसे बताने लगता है कि कल उसी ने उसकी जान बचाई थी, लेकिन मीनाक्षी उसकी बातों पर यकीन नहीं करती। अब हनुमंत उसे अपनी पावर दिखाने लगता है, लेकिन तभी सूरज डूब जाता है और हनुमंत की सारी पावर चली जाती है। अब हनुमंत समझ नहीं पा रहा था कि उसके पास पावर आ भी गई और चली भी गई। तभी हनुमंत को उस मणि की याद आती है और वो उस मणि को लेकर बैठ जाता है। उसे लगता है कि मणि लेने से फिर से पावर आ जाएगी, लेकिन पावर नहीं आती और हनुमंत वहीं पर सो जाता है। अब अगले दिन जैसे सूरज की किरणें वहां पर पड़ती हैं तो फिर से मणि चमकने लगता है और हनुमंत के अंदर पावर आ जाती है। अब हनुमंत समझ गया था कि जब सूरज होता है तभी उसे ताकत मिलती है। अब हनुमंत जाकर ये सारी बातें काशी को बताता है, लेकिन काशी को उसकी बातों पर यकीन नहीं था। अब हनुमंत उसे अलग अलग स्टंट करके दिखाता है, लेकिन काशी को उस पर यकीन नहीं होता।
जिसके बाद हनुमान फैसला करता है कि वो एक उंगली से ट्रेन को रोकेगा। लेकिन जब वो ट्रेन रोकने के लिए रेलवे ट्रैक पर खड़ा था तो ट्रेन को आता हुआ देखकर वो काफी डर जाता है और वहीं पर खड़ा रहता है और ट्रेन वहां से गुजर जाती है। काशी को लगता है कि हनुमान की मौत हो गई, लेकिन हनुमान जिंदा था क्योंकि वो बस उछलकर दूसरी तरफ गिर गया था। अब ये देखकर काशी समझ जाता है कि हनुमान के अंदर पावर आ चुकी है, इसलिए काशी भी हनुमान के लिए काफी ज्यादा खुश था। जिसके बाद हम एक दुकानदार को देखते हैं जो बंदर को केला देता है और उसके पास की सोने की चेन ले लेता है, जिसके बाद वो दुकानदार खुद वो चेन पहनकर बैठ जाता है। तभी वहां पर मीनाक्षी आती है और चेन को देखकर उसे लगता है कि इसी ने कल उसे बचा लिया था। अब मीनाक्षी काफी खूबसूरत थी, इसलिए वो दुकानदार भी उसकी हाँ में हाँ मिलाने लग जाता है, जिससे मीनाक्षी को यकीन हो जाता है कि इसी ने उसकी जान बचाई थी। अब ये बात जब हनुमान को पता चलती है तो वो मीनाक्षी को सब कुछ सच बताने की कोशिश करता है, लेकिन तभी वो लोग एक किसान को देखते हैं जो खुद को खत्म करने वाला था। एक्चुअली गजापति ने लगान के नाम पर उसका सारा अनाज ले लिया था और इसी वजह से वो खुद को खत्म कर रहा था। अब ये बात जब मीनाक्षी को पता चलती है तो वो जाकर गजापति से लड़ने लगती है। तो गजापति उसे कहता है कि अगर उसके अंदर हिम्मत है तो वो उसके साथ कुश्ती लड़े और उसे हराए, फिर वो उसकी बात सुनेगा। अब ये सुनकर काशी दुकानदार से कहता है कि वो मीनाक्षी की जगह जाकर कुश्ती लड़े। ये सुनते ही वो दुकानदार उसे बता देता है कि उसने उसकी जान नहीं बचाई थी, वो तो बस मीनाक्षी के साथ टाइम पास कर रहा था। तभी वहां पर हनुमान आता है और वो गजापति को चैलेंज करता है, जिसके बाद उन दोनों की कुश्ती शुरू हो जाती है। लेकिन तभी सूरज बादलों के पीछे चला जाता है, जिससे हनुमान की पावर चली गई थी। लेकिन कुछ टाइम बाद जब सूरज बाहर आता है तो फिर से हनुमान के पास पावर आ जाती है और वो गजापति के साथ साथ उसके सारे लोगों को पीट देता है, जिससे गांव वाले उस पर बहुत खुश होते हैं। लेकिन तभी वहां पर माइकल और सीरी आ जाते हैं। माइकल कहता है कि वो यहाँ पर गांव वालों की मदद करने आया है। माइकल कहता है कि गांव वालों को जो भी जरूरत है वो उसे बता सकते हैं, वो यहाँ पर डेवलपमेंट करेगा। तो मीनाक्षी बताती है कि उन्हें यहाँ पर एक हॉस्पिटल की जरूरत है। अब ये सुनते ही माइकल इसके लिए भी मान जाता है। एक्चुअली माइकल यहाँ पर मनी ढूंढने के लिए आया था, क्योंकि माइकल ने हनुमान का एक वीडियो देख लिया था। जब हनुमान ट्रेन के सामने खड़ा था तो एक लड़का ब्लॉगिंग कर रहा था और उसी वीडियो में हनुमान आ गया था जो ट्रेन के टकराने के बाद भी जिंदा था, और माइकल को हनुमान की पावर चाहिए थी। इसलिए माइकल सीरी से कहता है कि वो जल्दी से पता लगाए कि हनुमान के पास ये पावर आती कहाँ से है, जिसके बाद वो लोग यहाँ से चले जाएंगे। तो वही सीरी भी अपने काम पर लग जाता है, लेकिन उसे कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं मिल रही थी। तो वही हनुमान सबको बता देता है कि उसे ये सारी पावर काशी के भैंसों का दूध पीने की वजह से आई है। अब जैसे ही ये बात गांव वालों को पता चलती है तो सभी लोग काशी के पास दूध खरीदने के लिए पहुंच जाते हैं। तो वही माइकल हॉस्पिटल का काम शुरू करता है और जानबूझकर एक पत्थर गिराता है ताकि वो देख सके कि हनुमान के पास पावर आती कहाँ से है। लेकिन हनुमान समझ गया था कि माइकल का ध्यान उसी पर है, इसलिए वो एक मास्क लेता है, जिसके बाद उस मनी को अपने पास रखता है। अब मनी पर किरने पड़ते ही हनुमान को ताकत मिलती है और वो जाकर उस पत्थर को उठा लेता है। अब ये देखकर पूरे गांव वाले उस पर काफी इम्प्रेस हो गए थे, जिसके बाद सीरी हनुमान को किडनैप करता है और उसे पूछने लगता है कि उसके पास ताकत कैसे आई, लेकिन हनुमान उसे कुछ भी नहीं बताता। तभी हनुमान उस मनी को लेता है और उसके अंदर फिर से ताकत आ जाती है। अब ये सब कुछ रिकॉर्ड हो रहा था, जिसकी वजह से माइकल को पता चल जाता है कि हनुमान के पास पावर आती कहाँ से है, और वो फैसला करता है कि वो उस मनी को लेकर रहेगा। माइकल ये भी समझ गया था कि रात को हनुमान के पास कोई भी पावर नहीं होती। माइकल सीरी से कहता है कि वो रात को गांव में एक गैस फैला दे। एक्चुअली उस गैस से सभी लोग एक जगह पर जम जाते थे। माइकल चाहता था कि वो उसी बात का फायदा उठाकर हनुमान से वो मनी ले सके। जब सीरी उसके इरादे पता करता है तो वो समझ जाता है कि माइकल कोई अच्छा इंसान नहीं है, क्योंकि अगर माइकल अच्छा होता तो वो गांव वालों को इस तरह से तकलीफ नहीं देता। लेकिन माइकल कहता है कि उसे दुनिया पर राज करना है, और इसके लिए अगर उसे एक गांव कुर्बान करना पड़ा तो इसमें कौन सी बड़ी बात है। अब ये सब सुनते ही सीरी उसकी मदद करने से मना करता है। अब ये सुनते ही माइकल सीरी का अस्थमा इनहेलर ले लेता है और वहां पर एक गैस छोड़कर चला जाता है। तो वही हनुमान भी माइकल की वैनिटी में जाता है ताकि वो पता कर सके कि माइकल यहाँ पर आया क्यों था, और वहां जाने पर वो जब अपना वीडियो देखता है तो वो समझ जाता है कि हनुमान को मनी का राज पता चल चुका है। जिसके बाद जब हनुमान वहां से जा रहा था तभी वहां पर माइकल के लोग आते हैं और हनुमान पर हमला कर देते हैं। माइकल कहता है
कि रात को हनुमंत कुछ भी नहीं कर सकता, इसलिए वो उसे खत्म कर दे। लेकिन रात होने के बाद भी हनुमंत में सारी पावर थी, उसे कोई भी गोली नहीं लगती और वो सबको मार देता है। यहाँ पर हमें पता चलता है कि वो हनुमंत था ही नहीं, एक्चुअली वो एक बाबा थे जिनके पीछे हनुमान जी का आशीर्वाद था, और वो हनुमंत से कहते हैं कि वो अपनी मनी संभाल कर रखे। तो वही जब अगले दिन मीनाक्षी कुछ काम कर रही थी तो फिर से उसके ऊपर डकैत हमला कर देते हैं। तभी वहां पर हनुमंत आता है और मीनाक्षी को बचा लेता है। यहाँ पर मीनाक्षी को पता चल जाता है कि जो लड़का बचपन से उसकी मदद करता था वो कोई और नहीं बल्कि हनुमंत है, और वो भी उसे प्यार करने लगती है। अब हनुमंत डिसाइड करता है कि उसकी बहन की शादी हो ना हो वो खुद की शादी जरूर करेगा। लेकिन वहाँ की एक दादी हनुमंत को डांटने लगती है कि उसे पहले अपनी बहन की शादी करनी चाहिए, क्योंकि हनुमंत की वजह से ही उसकी बहन की शादी नहीं हो रही थी। एक्चुअली अंजना शादी के बाद भी हनुमंत को अपने साथ रखना चाहती थी और इसी वजह से उसकी शादी नहीं हो रही थी। अब हनुमंत को पता चल गया था कि अंजना उससे कितना प्यार करती है और वो उसके बारे में कितना सोचती है। ये सुनकर हनुमंत इमोशनल हो जाता है और अंजना के साथ ठीक से बिहेव करने लगता है। साथ ही हनुमंत अंजना जिस लड़के को पसंद करती थी उसके साथ उसकी शादी भी फिक्स करवा देता है। साथ ही हनुमंत को पता चल गया था कि जिन डकैत ने मीनाक्षी पर हमला किया था वो कोई और नहीं बल्कि गजापति के लोग थे, इसलिए हनुमंत जाकर गजापति को वार्न करता है कि अगर आइंदा ऐसा कुछ उसने किया तो उसे वो मार देगा, और गजापति भी उसकी बात समझ जाता है। जिसके बाद हनुमंत की बहन की शादी होने लगती है, लेकिन तभी वहां पर माइकल आता है और हनुमंत को मारने की कोशिश करता है। तब सूरज फिर से बादलों में चला गया था जिसकी वजह से हनुमंत भी कुछ कर नहीं पाता, लेकिन अंजना हनुमंत को बचा लेती है। वो माइकल के गुंडों को सबक सिखाती है और जैसे ही माइकल हनुमंत पर गोली चलाता है तभी सूरज की रोशनी फिर से आती है, जिससे हनुमंत को तो गोली नहीं लगती लेकिन गोली उससे पास होकर अंजना को लग जाती है और उसकी वहीं पर मौत हो जाती है, जिससे हनुमंत काफी दुखी हो गया था और उसे ऐसा लग रहा था कि अगर उसके पास ये मनी नहीं आता तो उसकी बहन जिंदा होती, इसलिए वो उस मनी को फेंक देता है। और ऐसा करते हुए माइकल का एक आदमी देख लेता है और वो माइकल को बताता है, जिसके बाद माइकल पूरे गांव में गैस फैला देता है जिससे गांव वाले एक जगह जम जाते हैं और माइकल उस मनी को ढूंढने लगता है। जब ये बात हनुमंत को पता चलती है तो वो कुछ भी करने के लिए तैयार नहीं था, लेकिन तभी वहां पर वही बाबा आते हैं जिन्होंने उस दिन हनुमंत को बचाया था। एक्चुअली वो बाबा कोई और नहीं बल्कि रावण के भाई विभीषण थे। वो हनुमंत को बताते हैं कि उस मनी में हनुमान जी की पावर है और हनुमंत को इसलिए चूज किया गया है ताकि वो लोगों की रक्षा कर सके। अब ये सब सुनने के बाद हनुमंत फैसला करता है कि वो सबको बचाएगा, जिसके बाद हनुमंत एक मास्क पहन लेता है और सिरी की मदद से उस गांव में जाता है। एक्चुअली उस दिन हनुमंत ने सिरी को बचा लिया था। अब गांव वालों को बचाने के लिए गजापति भी हनुमंत की मदद करता है और वो सभी मिलकर माइकल के लोगों को मार देते हैं। तभी माइकल वो मनी लेकर हेलीकॉप्टर से भाग रहा था, लेकिन तभी वहां पर हनुमंत आता है और माइकल के हेलीकॉप्टर पर गदा से हमला कर देता है जिससे उसका हेलीकॉप्टर क्रैश हो जाता है। लेकिन उसी वक्त वो मनी भी टूट जाता है और उसके अंदर जो रेड था वो हनुमंत के अंदर चला जाता है, यानी हनुमंत के अंदर अब सारी पावर्स आ गई थी। लेकिन जब विभीषण मनी को टूटते हुए देखता है तो वो काफी टेंशन में आ जाता है, क्योंकि मनी के टूटने के बाद असुरों को कंट्रोल करना मुश्किल था, इसलिए वो हनुमान जी से प्रे करने लगता है कि उन्हें अब वापस आना होगा। जिसके बाद हनुमान जी जहाँ पर तपस्या कर रहे थे वो बर्फ टूटने लगती है और वो वापस आने लगते हैं। तो वही हम असुरों को देखते हैं जो भी जाग गए थे, जिसके बाद हम हनुमान जी को देखते हैं जो हनुमंत के सामने आते हैं, और जैसे ही वो उसके सामने आते हैं मूवी वहीं पर एंड हो जाती है। और हमें बताया जाता है कि इसका सेकेंड पार्ट जय हनुमान 2025 में आ जाएगा, और इसी के साथ ये मूवी एंड हो जाती है। तो ये थी हनुमान मूवी की स्टोरी। अगर आपको इस मूवी की स्टोरी और मेरा एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।